मिस्टर अनिरुद्ध मित्तल, मैं जानती हूँ कि हम अभी 30 सेकंड पहले ही पहली बार मिले हैं और हम एक दूसरे के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं जानते। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप मुझसे शादी करेंगे। ये सुनकर 28 साल का अनिरुद्ध मित्तल वहीं खड़ा रह गया और एक टक श्रेया को देखने लगा। श्रेया सोचने लगी कि लखनऊ या उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े और पावरफुल बिजनेसमैन में से एक अनिरुद्ध मित्तल को मैंने हिम्मत करके शादी के बारे में पूछ तो लिया है, लेकिन जिस आदमी का अपॉइंटमेंट मिलने में मुझे 17 दिन लग गए, जो आदमी अपने काम और अपने पैसे से ज्यादा अपने गुस्से और एरोगेंस की वजह से मशहूर है, वो आदमी देश का मोस्ट एलिजिबल बैचलर मुझ जैसी एक आम लड़की को क्या जवाब देगा और कैसे रिएक्ट करेगा? लखनऊ शहर, ये नाम सुनते ही एक ऐसी तस्वीर जहन में दौड़ जाती है जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि आलीशान भी है। लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में, शहर के सबसे मशहूर बंगले में, यानी कि लाल कोठी में आज श्रेया अनिरुद्ध से उसकी अपॉइंटमेंट लेकर उससे मिलने आई थी। 2 घंटे अनिरुद्ध का इंतजार करने के बाद श्रेया को अचानक से बेहद मादक परफ्यूम की खुशबू आई। इसके पहले कि श्रेया कुछ सोच या समझ पाए, उसे पीछे से किसी की परछाई आती हुई दिखी। श्रेया ने धीरे से घूमते हुए अपने पीछे देखा तो उसे ब्लैक सूट में 2 बॉडीगार्ड्स आते दिखे और उन 2 बॉडीगार्ड्स के ठीक बीच में चलते हुए आ रहा था अनिरुद्ध। 28 साल का अनिरुद्ध मित्तल, जिसकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ खूबसूरत लड़कियां बल्कि आम लोगों से लेकर मीडिया वाले तक कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। कड़क स्टील ग्रे कलर के सूट, रेबैन के सनग्लासेस, जेल से सेट किए हुए बाल, बाएं हाथ में राड़ों की घड़ी और चमचमाते ब्लैक शूज, वो किसी मॉडल या हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके पहनावे को देखकर ही नहीं बल्कि उसके चेहरे के तेज को देखकर कोई भी उसकी अमीरी का अंदाजा लगा सकता था। अनिरुद्ध चलते हुए ठीक श्रेया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी पर्सनालिटी को देखकर 1 सेकंड के लिए श्रेया भूल गई थी कि आखिर वो यहाँ क्यों आई थी। मिस श्रेया, राइट? अनिरुद्ध ने बिना किसी एक्सप्रेशन के श्रेया से पूछा। श्रेया के मुंह से आवाज ही नहीं निकली, उसने बस हाँ में अपना सिर हिलाया और ग्रीट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अनिरुद्ध ने बिना हैंडशेक किए अपने दोनों हाथों को अपने पैंट की दोनों पॉकेट्स में डालकर श्रेया से कहा, 17 दिन से आप मेरी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, फैक्स, कुछ भी करना बाकी नहीं रखा आपने इन 17 दिनों में, तो आई एम श्योर मुझसे मिलने की कोई खास वजह रही होगी। बताइए, 17 मिनट हैं आपके पास। और फिर अपनी महंगी घड़ी के सामने देखकर अनिरुद्ध ने आगे कहा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतना कहकर वो पीछे मुड़कर बैठने ही जा रहा था कि श्रेया ने बिना कुछ सोचे समझे झट से कहा, मिस्टर अनिरुद्ध मित्तल, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अनिरुद्ध, जो पीछे मुड़कर सोफे पे बैठने जा रहा था, वो रास्ते में ही रुक गया। उसकी पीठ अब श्रेया की तरफ थी। श्रेया ने हिम्मत करके ये सवाल पूछ तो लिया था, लेकिन घबराहट के मारे उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि उसके दिल की धड़कन शायद वहां खड़े 2 बॉडीगार्ड्स को भी सुनाई दे रही होगी। अनिरुद्ध अब धीरे से श्रेया की तरफ पलटा और धीरे से अपने ब्रांडेड सनग्लासेस के जरिए नर्वस खड़ी श्रेया को ध्यान से देखा। 24 साल की श्रेया खूबसूरत तो थी, लेकिन उसका चेहरा आज टेंशन के मारे थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। अपने घने लंबे बालों में से एक लट उसे बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए श्रेया अपनी उंगली से बार बार उस लट को अपने कान के पीछे डाल रही थी। अनिरुद्ध कुछ सेकंड्स के लिए श्रेया को देखता रहा, मानो वो उसे स्कैन कर रहा हो, और फिर श्रेया के पास आकर उसने अपने सनग्लासेस उतारे। टेंशन के मारे श्रेया को भले ही पसीना छूट रहा हो, लेकिन ऐसे में भी उसने सोचा कि इतनी खूबसूरत और गहरी आंखें शायद ही किसी मर्द की होगी। श्रेया ने अपने माथे का पसीना पोंछा और एक गहरी सांस लेते हुए वो अनिरुद्ध के जवाब का वेट करती हुई खड़ी रही। तभी श्रेया के बालों की एक लट फिर से उसके चेहरे पर आ गई। इस बार श्रेया उस लट को हाथ लगाती, उससे पहले ही अनिरुद्ध ने अपने हाथों से उस लट को पकड़कर श्रेया के कान के पीछे करते हुए श्रेया से पूछा, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे क्या करना चाहती हो? श्रेया ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, जी, शादी। अनिरुद्ध मित्तल ने श्रेया की तरफ देखा। श्रेया दिखने में बेहद प्यारी और खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा चमक और आकर्षण था उसकी आंखों में। अनिरुद्ध पास में पड़े सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठो। ये कहते हुए अनिरुद्ध सोफे पर बैठ गया और श्रेया भी उसके पीछे पीछे जाकर उसके बगल में थोड़ी दूरी पर बैठ गई। वो उसे बहुत नर्वस लग रही थी। कुछ देर पहले उसे अनिरुद्ध से मिलने की बहुत बेसब्री थी, लेकिन अब जब अनिरुद्ध उसके सामने था
तो अब वो वहां से भाग जाना चाहती थी। श्रेया अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध अच्छी तरह से जानता था कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। कुछ देर की शांति के बाद अनिरुद्ध ने पूछा, तुम भले ही मेरे बारे में कुछ ना जानती हो, लेकिन मीडिया में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में मेरी इमेज क्या है, ये तो तुमको पता ही होगा ना। कोई लड़की अगर सिर्फ पैसे के लालच की वजह से भी मेरे साथ रहना चाहे तो भी वो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रह पाती। इतना गुस्सैल और बिगड़ेल दिमाग का हूं मैं, तुमने ये सब तो मैगजीन्स और अखबारों में पढ़ा ही होगा। अनिरुद्ध केवल रईस नहीं था, बल्कि उसके किस्से भी हमेशा चर्चा में रहते थे। अखबारों और सोशल मीडिया में उसकी न्यूज हमेशा छपती रहती थी। उसने श्रेया से बेबाक तरीके से पूछा, क्या तुम जानती हो कि लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं? लोगों को मैं एरोगेंट लगता हूँ, गुस्से वाला, और तो और मौका परास्त भी बुलाते हैं लोग मुझे। श्रेया को घूरते हुए अनिरुद्ध ये सब इस तरह से बोले जा रहा था मानो वो श्रेया को चुनौती दे रहा हो। श्रेया हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। बिना फिल्टर किए अनिरुद्ध ने उसे वो सब बताया था जो असल में लोग उसके बारे में बात करते थे। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने आप को अनिरुद्ध की मजबूत बाहों में पाया। घने अंधेरे में दोनों अचानक से एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे, जिसकी वजह से दोनों की सांसें तेज हो गई थी। शर्म के मारे श्रेया जैसे पानी पानी हो रही थी। लेकिन तभी अनिरुद्ध के चेहरे को देखकर श्रेया को एक ख्याल आया। अनिरुद्ध मित्तल के बारे में ऐसा सब लोग कहते थे कि उसको किसी का छूना पसंद नहीं है, लेकिन ये बात के पीछे क्या कारण था ये शायद किसी ने जानने की कोशिश नहीं की थी। अभी इस लॉबी में अनिरुद्ध ने भले ही श्रेया को गिरने से बचाने के लिए उसे पकड़ लिया हो, लेकिन वो जिस तरह से अनकंफर्टेबल लग रहा था ये देखकर श्रेया एक ही पल में समझ गई कि अनिरुद्ध के बारे में लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि हो ना हो अनिरुद्ध को जम फोबिया होने के चांसेस हैं, जिसमें इंसान को किसी का भी छूना पसंद नहीं होता। इस बात का ख्याल आते ही श्रेया झट से खड़ी होकर अनिरुद्ध से थोड़ी दूर खड़ी हो गई और उसने घबराते हुए अनिरुद्ध से माफी मांगी। तभी अनिरुद्ध ने लाइट जलाई। कमरे में रोशनी होते ही श्रेया की आंखें हल्की सी चुंदिया गई। जैसे ही उसने नजरें घुमाई उसे चीजें ठीक से दिखाई दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वो बेसमेंट में थी और उसने जो देखा उससे उसकी सारी हिम्मत हवा में कहीं गायब हो गई थी। और तभी अनिरुद्ध ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? जरा एक नजर इस कमरे में घुमाओ और फिर बताओ। अनिरुद्ध के घर के बेसमेंट में चीजें देखने के बाद श्रेया इतनी घबरा गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सामने की दीवारों पर धारदार चाकू, चाबुक, कुत्ते के गले में डालने वाला पट्टा जिस पर लोहे के स्पाइक्स वगैरह लगे हुए थे, जो कि देखने में काफी दिल दहला देने वाले लग रहे थे। अनिरुद्ध ने डरी हुई श्रेया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हर खानदान के अपने अलग अलग शौक होते हैं, और जैसा कि तुम देख सकती हो हमारे खानदान के कुछ डरावने शौक है। सहमी हुई श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि जो शख्स ऊपर के कमरे में मिला था और जो अब उसके सामने खड़ा था वो दोनों एक ही हैं या अलग अलग। भले ही यहाँ आकर इतने बड़े बिजनेसमैन को शादी के लिए पूछने के पीछे उसकी अपनी सीरियस वजह थी, लेकिन अब ये सब देखकर उसे अपना मन बदलने का मन कर रहा था। जो जो अफवाहें उसने अनिरुद्ध के बारे में सुनी थी उन सब पर वो अब यकीन करना चाहती थी। अनिरुद्ध उसकी तरफ लगातार देखता जा रहा था मानो वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने ये सब चीजें दिखाकर श्रेया को डरा तो दिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ये जानना चाहता था कि मार्केट में उसकी इमेज इतनी अजीब और अच्छी ना होने के बावजूद ये अनजान लड़की किस वजह से आज उसके घर की चौखट पर शादी का प्रस्ताव लिए खड़ी है। अंदर ही अंदर अनिरुद्ध काफी हैरान था, लेकिन वो श्रेया को जताना नहीं चाहता था। उसकी हैरानी की वजह कुछ और भी थी। अनिरुद्ध अपनी जिंदगी में जिन जिन औरतों से मिला था उसे उन औरतों के पास होने की वजह से घबराहट और बेचैनी के सिवाय कुछ और महसूस नहीं होता था, लेकिन श्रेया की बात कुछ और थी। सिर्फ 2 मिनट पहले ही मिला था वो श्रेया को, लेकिन फिर भी उसके पास होने से अनिरुद्ध कंफर्टेबल फील कर रहा था। एक अजीब से अपनेपन का एहसास होने लगा था। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो नाराजगी और चिड़चिड़ेपन से दूर था, जबकि अनिरुद्ध दिन के 24 घंटों में से 25 घंटे चिड़चिड़ा रहता था। डरी हुई श्रेया को देखकर मानो अनिरुद्ध अपने ही दिल से सवाल कर रहा हो कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। किसी का पहली ही मुलाकात में दिल को छू जाना, किसी का पहली ही मुलाकात में अपना सा लगने लगना, ये सब सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी होता है क्या? दूसरी तरफ श्रेया कंफ्यूज्ड थी। वो जानना चाहती थी कि अनिरुद्ध उसे ये सब दिखाकर क्या साबित करना चाहता है।
उसने अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर सीधा ही कह दिया, अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो आप सीधा सीधा मना कर सकते हैं। अनिरुद्ध ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए कहा, तुम्हें बहादुर कहूं या बेवकूफ, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो अब तक भाग गई होती। अनिरुद्ध ये कहता हुआ श्रेया के पास बहुत पास आ खड़ा हुआ और आगे कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे बारे में जो कुछ भी बातें लोग बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें उतनी खुशी नहीं मिल पाएगी जो हर लड़की अपने पति से चाहती है। इनफैक्ट तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। श्रेया ने तुरंत जवाब दिया, आप इतने बुरे कैसे हो सकते हैं कि मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। दोनों एक दूसरे की तरफ काफी देर तक देखते रहे। अनिरुद्ध की आंखें बिल्कुल ठंडी थी लेकिन श्रेया की आंखें आत्मविश्वास से भरपूर थी, मानो किसी भी डर और बदनामी का सामना करने के लिए वो तैयार हो। अनिरुद्ध श्रेया की आंखों में इतना बेबाकपन देखकर हैरान था। वो एक ऐसी लड़की के सामने खड़ा था जो उसके सारे डार्क सीक्रेट्स जानने के बाद भी उससे शादी करना चाहती थी। अनिरुद्ध को चुप देखकर श्रेया ने फिर से कहा, अगर आप चाहें तो हम बाद में फिर से मिल सकते हैं, और फिर मैं अगर आपको जरा भी पसंद आऊं तो आप मुझसे शादी के लिए हाँ कह सकते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके बनाए हुए हर नियम का मैं पालन करूंगी। आपकी तरफ से मुझे ना तो कोई पैसे या किसी चीज का बेनिफिट चाहिए, और आप चाहें तो मैं आपसे दूर भी रहूंगी और आपको कभी नहीं छूंगी। मैं आपको किसी और आदमी के लिए कभी धोखा नहीं दूंगी। इस घर के अंदर शादी करने के बावजूद हम दोनों दो अजनबी की तरह ही जिंदगी गुजारेंगे, मैं इस बात का वचन देती हूँ। अनिरुद्ध ने श्रेया की बात को काटते हुए बड़े ही रूडली कहा, पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर चलो। इतना कहते हुए वो फुल स्पीड में बेसमेंट से बाहर निकल गया। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि देश का इतना पावरफुल बिजनेसमैन जो लोगों पर एक नजर डालते ही उनके मन की बात समझ जाता था, आज एक लड़की उसकी समझ से बाहर थी। श्रेया भी घबराते हुए उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। बाहर हॉल में आते ही मानो श्रेया की जान में जान आ गई। अनिरुद्ध वापस जाकर हॉल के सोफे पर बैठ जाता है। पहले के मुकाबले वो काफी शांत लग रहा था। उसने श्रेया को अपने सामने बिठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मुद्दे पर आओ और सच सच बताओ तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। श्रेया ने अनिरुद्ध के सीधे सवाल का सीधा जवाब देते हुए कहा, मुझे आपका साथ चाहिए। तो क्या तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो, थोड़े कटाक्ष भरे शब्दों में अनिरुद्ध ने पूछा। नहीं नहीं, मैं आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहती, मैं अपने सेब के बगीचे को बचाना चाहती हूँ जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मरने से पहले उन्होंने मुझे वो बगीचा वसीयत में दिया था, लेकिन मैं अकेली ये नहीं कर पा रही हूँ। हमारे परिवार की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है, वैसे देखा जाए तो मैं उनके लायक भी नहीं, वो तो सिर्फ मेरे बगीचे के लिए। तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए अनिरुद्ध ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा, उनके मतलब किसके लायक नहीं हो, अनिरुद्ध ने जानना चाहा। श्रेया ने धीरे से सर झुकाकर हिचकिचाते हुए कहा, कुणाल के परिवार के लायक, कुणाल मेरा मंगेतर है। मेरी माँ ने मरने से पहले ये रिश्ता तय किया था, और अब जब मेरी माँ नहीं रही तो उन्हें सिर्फ मेरा सेब का बगीचा चाहिए। अगर मैं आपसे शादी करती हूँ तो फिर वो लोग आपके जितने पावरफुल आदमी से पंगा नहीं लेंगे, और वैसे भी माफ कीजिएगा लेकिन आपके बारे में जो जो अफवाहें फैली हैं उनकी वजह से कोई आपसे शादी करने को तैयार नहीं है। आपको इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता होगा लेकिन आपके घर वाले आपकी शादी को लेकर टेंशन में हैं, और वो भी सब जानते हैं, इसलिए मैं बिना सोचे समझे आपके पास आ गई शादी का प्रस्ताव लेकर। ये सुनते ही अनिरुद्ध को हंसी आ गई और वो बोल पड़ा, इसका मतलब है कि तुमसे शादी करने में मुझे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, इसमें मेरा कुछ भी फायदा नहीं है। आराम से सोफे पर बैठकर अनिरुद्ध श्रेया से पूछता है, तुम्हारी बदौलत तो मुझे एक और दुश्मन नसीब हो जाएगा, इसके अलावा तुमसे शादी करके जिंदगी भर तुमसे बंधना भी पड़ेगा। तुम जब तक मुझे ऐसा कोई कारण ना बताओ जिसमें मेरा कुछ भला हो तब तक मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कहूंगा, भले ही मेरे घर वाले पीछे पड़े हो मेरी शादी के लिए, लेकिन आखिर शादी उनको नहीं मुझे करनी है, और इसलिए मुझे तुमसे एक अच्छी वजह चाहिए। श्रेया उसकी तरफ बहुत हैरानी से देखते हुए सोचने लग गई। अनिरुद्ध लखनऊ का सबसे प्रभावशाली इंसान था और काफी हैंडसम भी था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो नहीं पा सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका लालच वो अनिरुद्ध को दे सके। ये सोचकर वो थोड़ी निराश हो गई। लखनऊ में अनिरुद्ध मित्तल की फैमिली ही एक ऐसी फैमिली थी जो कुणाल अग्रवाल की फैमिली के खिलाफ खड़ी हो सकती थी। उसकी हैसियत कुणाल के परिवार से ज्यादा थी, बाकी के सारे नामचीन और खानदानी लोग
कुणाल अग्रवाल के परिवार से या तो मिलकर चलते थे या डरकर। श्रेया को महसूस हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे वो अनिरुद्ध को शादी के लिए मना सके। श्रेया अंदर से टूट सी गई थी क्योंकि अनिरुद्ध उसकी आखिरी उम्मीद था, लेकिन किसी अजनबी से वो इतनी बड़ी उम्मीद कैसे रख सकती थी। उसने सोचा कि अब वो चाहकर भी अपनी माँ की आखिरी निशानी नहीं बचा पाएगी। ये सब सोचते हुए वो चुपचाप वहां से खड़ी होकर घर के बाहर निकल गई। अनिरुद्ध के घर से निकलकर अपनी कार तक जाते वक्त श्रेया का ध्यान अपने मोबाइल फोन पर गया तो उसने देखा कि श्रेया की काम वाली बाई की बहुत सारे मिस कॉल्स आए हुए हैं। अपनी कार स्टार्ट करते हुए श्रेया ने अपनी नौकरानी को वापस कॉल किया तो उसे पता चला कि श्रेया के मंगेतर कुणाल अग्रवाल और उसकी फैमिली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उन्होंने ये बात सबको बताई कि श्रेया और कुणाल की सगाई टूट गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने झूठ मूठ का श्रेया पे ये इल्जाम भी लगा दिया कि श्रेया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और कुणाल के साथ सगाई करने के बाद भी श्रेया किसी और के साथ रह रही थी। ये सब अफवाह सुनने के बाद क्या श्रेया अनिरुद्ध को शादी के लिए मना पाएगी? क्या श्रेया अपनी माँ की इकलौती निशानी को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये इश्क है। श्रेया लखनऊ शहर के सबसे बड़े और पावरफुल बिजनेसमैन अनिरुद्ध मित्तल को शादी का प्रस्ताव देने के लिए उसके घर गई थी। हालांकि अनिरुद्ध ने श्रेया का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसे ठुकराया भी नहीं था। श्रेया अनिरुद्ध के घर से निकलकर उसके घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि अनिरुद्ध के घर के बाहर श्रेया को उसकी बाई का फोन आया। वो उसे बता रही थी कि अभी अभी अग्रवाल फैमिली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने श्रेया पर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। श्रेया अपनी घर की बाई से बात कर रही थी गुस्से में, काफी नाराजगी जताते हुए। श्रेया की बाई ने श्रेया से आगे कहा, अग्रवाल खानदान ने तो ये भी कहा है कि इन सब बातों के लिए आप अपने सेब का बगीचा उनके नाम कर उनको कंपनसेट करेंगी क्योंकि आपने उनके मान सम्मान को हानि पहुंचाई है। ये सुनते ही श्रेया शॉक्ड रह गई और फ्रस्ट्रेशन में उसने गाड़ी चलाते हुए अपने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। वो सोच रही थी कि इतने घटिया कैसे हो सकते हैं ये लोग, मेरी जायदाद को हड़पने के लिए इस लेवल तक गिर सकते हैं। बाई ने श्रेया के लिए डर जताते हुए कहा, दीदी आप जहां कहीं भी हो प्लीज आप जल्दी से घर आ जाओ, ये न्यूज के बाद अगर किसी ने आपको बाहर देख लिया तो आपको बेवजह लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। श्रेया को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? श्रेया ने गुस्से में आकर अपने घर की बाई से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एड्रेस पूछा तो बाई ने फिक्र जताते हुए श्रेया को कहा, क्या करोगी दीदी जानकर? श्रेया ने एक पल के लिए सोचा कि यदि उसने अपनी जिंदगी के साथ ये आखिरी जुआ नहीं खेला तो वो अग्रवाल खानदान से हार जाएगी और उसे अपने सेब के बगीचे से भी हाथ धोना पड़ेगा। दुनिया उस पर थू-थू करेगी वो अलग, उसके बाद उसका क्या होगा? ये सब सोचते हुए उसने फ्रस्ट्रेशन में फोन काट दिया और जोर से ब्रेक मारकर अपनी कार को साइड में रोका। उसने झट से अपने मोबाइल में गूगल खोलकर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोकेशन को ढूंढ लिया और उसका गुस्सा ठंडा हो उससे पहले उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए वो जल्दी से जल्दी वहां से निकल गई। श्रेया तेजी से कार चलाती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह पर पहुंच गई। अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके जैसे ही वो होटल के अंदर की तरफ भागी उसे पता चला कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर्स अग्रवाल खानदान के सबसे बुजुर्ग दादाजी को घेर कर अब भी खड़े थे और उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। सभी कैमरे उनकी तरफ थे और वो बड़ी खुशी खुशी मीडिया के सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही श्रेया वहां पहुंची सारे मीडिया वाले अग्रवाल परिवार को छोड़कर श्रेया की तरफ भागे और उसको सबने घेर कर सवालों की झड़ी लगा दी। आपको क्या लगता है मिस श्रेया कि आपकी एंगेजमेंट क्यों टूट गई? क्या वजह थी? आपके और अग्रवाल परिवार के बीच में ऐसा तो क्या बिगड़ गया? क्या आपने सही में कुणाल अग्रवाल के साथ धोखाधड़ी की है? कौन है वो शख्स जिसकी वजह से आपने इस रिश्ते को ठुकराया है? और क्या आप सच में अपना एप्पल गार्डन के नाम करने जा रही हैं? तो मतलब क्या आप गुनेगार हैं? रिपोर्टर्स ने सारे सवाल एक साथ श्रेया के सामने रख दिए थे। मीडिया वालों ने श्रेया पर सवालों की बौछार कर दी थी। तभी श्रेया की नजर कुणाल पर पड़ी। वो वहीं खड़ा था और वो श्रेया की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे जानता भी ना हो। श्रेया ने बड़े ही पोलाइटली सब रिपोर्टर से कहा, प्लीज एक एक करके सवाल पूछिए। वैसे तो उसके अंदर गुस्से का लावा फूट रहा था पर वो ऊपर से बहुत ही शांत दिख रही थी, बिल्कुल एक ज्वालामुखी की तरह जिसके अंदर का सुलगता हुआ लावा आज पूरे अग्रवाल खानदान को बर्बाद करने वाला था। एक गहरी सांस भरते हुए श्रेया ने सोचा कि अग्रवाल खानदान ने जो कब्र उसके लिए खोदी है क्यों ना उसी कब्र में उसके पूरे परिवार को गाड़ दूं और इंगेजमेंट तोड़ने के उनके झूठ को सच कर दूं
और फिर कुछ सोचकर श्रेया ने मीडिया वालों से कहा, मेरे परिवार और अग्रवाल परिवार के बीच कोई इज्जत या प्यार नहीं बचा है, इसलिए मैंने खुद ये सगाई तोड़ दी है। मेरी नजर में कुणाल अग्रवाल की कोई इज्जत नहीं है, और जहां इज्जत नहीं है वहां कोई रिश्ता नहीं बन सकता। और आपने ये तो खुद देख ही लिया है कि वो मेरे बारे में कैसी कैसी बातें फैला रहे हैं। सो बेसिकली हम दोनों की तरफ से म्यूचुअल डिसरिस्पेक्ट है। ये सुनते ही कुणाल ने श्रेया को एक इंसल्टिंग लुक दिया। बहुत ही कम शब्दों में श्रेया ने ये मीडिया वालों को बता दिया था कि कुणाल के लिए प्यार या श्रेया की कोई अहमियत नहीं थी। प्रेस वालों ने भी इस मैसेज को भली भांति समझ लिया था। श्रेया मीडिया को आगे बताती है, और रही बात इनके इल्जाम की, तो मेरे बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहते हुए श्रेया ने अपने पर्स में हाथ डालते हुए अपना फोन निकाला, और फिर फोन में से उसने एक वीडियो निकालकर मीडिया वालों को दिखाते हुए कहा, ये वीडियो देखिए, इसमें जो कपल है वो कौन है, पहचान सकते हैं आप लोग? वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल में बहुत उत्सुकता जाग उठी। आखिर श्रेया ने सबको बताया कि इस वीडियो में जो औरत है वो मेरी सौतेली माँ की भतीजी मिशिका है, और जो आदमी है वो और कोई नहीं बल्कि कुणाल अग्रवाल है, जो अभी आपके सामने मुझे गुनेगार और खुद को बेगुनाह बता रहे थे। इसके साथ ही कुणाल ने अपना आपा खो दिया। वो गुस्से में भीड़ को चीरते हुए श्रेया की तरफ बढ़ा और उसके हाथ से वो फोन छीनकर जमीन पर दे मारा। गुस्से में लावा की तरफ फटते हुए श्रेया से पूछा, ये वीडियो तुम्हारे हाथ कैसे लगी? श्रेया ने भी गुस्से में कुणाल को एक लुक दिया और फिर उसे नजरअंदाज करके आगे बोलने लगी, मुझे भी लगा था कि इन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं अब तक चुप थी। ये सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर बता रही है। तभी कुणाल ने चिल्लाते हुए बोला। श्रेया ने तंज कसते हुए कुणाल से पूछा, ऐसा मैं क्यों करूंगी? फिर वहां मौजूद प्रेस रिपोर्टर्स की तरफ देखते हुए श्रेया ने कहा, यदि आप मेरी बातों से कन्विंस नहीं है तो कुणाल अग्रवाल से खुद क्यों नहीं पूछ लेते, वो खुद ही अपनी सफाई दे देंगे। कुणाल हैरान हो गया था श्रेया की चालाकियों को देखते हुए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दांव उस पर उल्टा कैसे पड़ गया। श्रेया खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ही अकलमंद लड़की भी थी। उसने कुणाल के चेहरे से रंगत ही उड़ा दी थी। कुणाल ने फिर भी श्रेया को फंसाने की एक और कोशिश करते हुए कहा, तुम किसके साथ रही ये मैं कैसे साबित करूं? श्रेया ने कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद बता देती हूँ कि किसने तुम्हें रिप्लेस किया है। हालांकि श्रेया के पास किसी का नाम दिमाग में नहीं था, फिर भी उसने ब्लाइंडली अनाउंस कर दिया, मैं तुम्हें सच बताने वाली हूँ। लगे हाथ ये भी बता दूं कि तुम उस व्यक्ति से अनजान नहीं हो, पूरा शहर उस शख्स को बड़े अच्छे से जानता है, वो बहुत फेमस है, तुम जैसे लोगों की हैसियत से बहुत ऊपर की औकात रखता है। उसने कुणाल को काफी अपमानित करते हुए कहा, और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वो शख्स मित्तल एंड मित्तल कंपनी का मालिक अनिरुद्ध मित्तल है, CEO ऑफ मित्तल एंड मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अनिरुद्ध मित्तल। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कुणाल को बहुत बड़ा झटका लगा। बाकी वहां मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था मानो सबको सांप सूंघ गया हो। कुणाल का तो रंग ही फीका पड़ गया था। एक रिपोर्टर ने कुछ पूछने की कोशिश की पर वो कुछ बोल नहीं पाया। आखिर बोलना भी तो अनिरुद्ध मित्तल के खिलाफ था, फिर भी उसके मुंह से कुछ शब्द निकल गए। मिस्टर मित्तल के बारे में तो फिर वो एकदम से चुप हो गया। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अनिरुद्ध के खिलाफ एक भी शब्द बोल सके। अपमान करना तो बहुत दूर की बात थी। जिसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं होती वो अनिरुद्ध मित्तल के खिलाफ कुछ बोलता? वो शहर का सबसे ताकतवर और रईस शख्स था जिससे कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेगा। श्रेया रिपोर्टर के मन के भाव को भांप गई। वो समझ गई थी कि वो किस बारे में पूछताछ कर रहा है। उसने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखते हुए कहा, अच्छा होगा अगर हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, अधिकतर वो बकवास होती है। जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो तब तक किसी की सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर विश्वास ना करने की मैं सलाह दूंगी। और वैसे भी आपकी रिपोर्टिंग की दुनिया में अफवाह कुछ ज्यादा ही बिकती है। आज के लिए वैसे भी आपके पास एक बहुत बड़ी खबर है। श्रेया ने अपने दोनों हाथ एक साथ जोड़े और बोली, तो जैसा कि आप सभी ने देखा, आज के बाद मेरा कुणाल अग्रवाल या उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। और फिर कुणाल को इग्नोर करती हुई वो वहां से चली गई। रिपोर्टर्स ने कुणाल की तरफ मुड़कर कहा, कुणाल साहब अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? श्रेया तो वहां से जा चुकी थी। रिपोर्टर्स के पास अब कुणाल और उसके परिवार के अलावा कोई और नहीं था जिसकी रिपोर्टिंग अब वो करते, तो वो सब उनको घेर के खड़े हो गए थे और सवाल पे सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे कुणाल साहब? कुणाल ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और उसने श्रेया के बारे में कुछ अपशब्द बोले। कमीनी है वो, कमीनी। श्रेया 2 घंटे बाद दोबारा अनिरुद्ध के घर के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार
वो पहले से ज्यादा घबरा रही थी। इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि अनिरुद्ध के बॉडीगार्ड्स उसे वहां लेकर आए थे। सभी बॉडीगार्ड्स उसको डायरेक्शन बताते हुए उसी हॉल में ले गए जहां वो अनिरुद्ध से पहली बार मिली थी। तभी अनिरुद्ध वहां आया, जिसे देखकर श्रेया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसने बिना सोचे समझे मीडिया के सामने अनिरुद्ध से अफेयर होने की बात बता तो दी थी। कुछ देर बाद श्रेया फिर से अनिरुद्ध के घर पर बैठी हुई थी। श्रेया का दिल अनिरुद्ध को देखकर जोर जोर से धड़क रहा था। अनिरुद्ध वहीं पास की टेबल पर बैठ गया। एक नौकर आकर अनिरुद्ध को कॉफी सर्व करके वहां से चला गया। अनिरुद्ध बैठे हुए सिर्फ श्रेया की ओर देखे जा रहा था और बड़े ही अनोखे अंदाज में वो कॉफी की प्याली से खेलने लगा और उसने अपनी बॉडी गार्ड्स को वहां से जाने का हुक्म दिया। गार्ड्स के जाने के बाद अनिरुद्ध और श्रेया वहां अकेले बैठे रहे। पता नहीं अनिरुद्ध अब कैसे रिएक्ट करेगा। इतनी बड़ी खबर जो श्रेया ने मीडिया के सामने अनाउंस की थी, उसके बाद उसका दिमाग बहुत सारी बातें सोचने लगा था। वो चुपचाप सर झुकाए वहां बैठी रही। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अनिरुद्ध का सामना कर सके। अनिरुद्ध ने ऐसे दिखाया जैसे श्रेया वहां मौजूद ही ना हो। हॉल के एक तरफ लाइब्रेरी बनी हुई थी। अनिरुद्ध ने वहां से एक किताब उठाई और वापस जाकर सोफे पर बैठकर बड़े ही आराम से किताबों के पन्ने पलटने लगा और कॉफी की चुस्की लेने लगा। कुछ देर बाद श्रेया सोचने लगी कि अगर कोई बात ही नहीं करनी थी तो मुझे यहां बुलाया क्यों। लगभग 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी। किसी की चुप्पी एक बहुत बड़ी और असरकारक सजा होती है। आखिर ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए श्रेया ने ही हिम्मत जुटाकर अनिरुद्ध से कहा, देखिए मिस्टर अनिरुद्ध, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। श्रेया ने भले ही अनिरुद्ध से माफी मांगी हो, लेकिन अनिरुद्ध श्रेया से बिल्कुल भी नाराज नहीं दिख रहा था। श्रेया की बात सुनकर अनिरुद्ध ने किताब के बाहर अपना सिर धीरे से उठाकर श्रेया की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ बुलाया, इधर आओ, मेरे पास आओ। ये सुनते ही श्रेया थोड़ा डर गई। उसने सोचा कि पता नहीं अनिरुद्ध अब उसके साथ क्या करने वाला था। खुद को किसी तरह संभालते हुए वो अनिरुद्ध के पास जाने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि तभी अनिरुद्ध ने दोबारा कहा, सुना नहीं तुमने, यहां आओ मेरे पास। श्रेया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप से अनिरुद्ध की तरफ चलने लग गई, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अनिरुद्ध ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। लड़खड़ाते हुए श्रेया अनिरुद्ध के पास पहुंच गई। श्रेया के पास आते ही अनिरुद्ध झट से खड़ा हो गया और उसने श्रेया की कमर में हाथ डालकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसे अपने सीने से लगा लिया। ये कुछ वैसा ही था जो थोड़ी देर पहले बेसमेंट की तरफ जाते वक्त इस घर की लॉबी में हुआ था। इश्क की नजदीकियां, एक दूसरे को अपने करीब रखने को मचलना और मौका मिलते ही कोई मौका ना छोड़ना, वैसे इसी को तो प्यार कहते हैं, इसी को तो हम मोहब्बत की शुरुआत कहते हैं। अनिरुद्ध के गले लगकर श्रेया सोच रही थी कि जिस आदमी को मिले बस कुछ ही घंटे हुए हैं, जिस आदमी के बारे में मशहूर है कि वो किसी भी औरत को ठीक से पेश नहीं करता, जो आदमी बिलियनर होने से ज्यादा अपनी एरोगेंस और रूड बिहेवियर के लिए मशहूर है, जो आदमी कभी किसी को छूना पसंद नहीं करता, उस आदमी ने सामने से श्रेया को गले लगा लिया, वो भी तब जब श्रेया उसको पूरी दुनिया के सामने अभी बदनाम करके ही आई है। आखिर क्या चीज है अनिरुद्ध मित्तल, जो दुनिया की सारी लड़कियों से हमेशा दूर दूर और उखड़ा उखड़ा रहता था, उसने आज एक अनजान लड़की से बदनाम होने के बाद भी उस पर गुस्सा ना करके उसको गले से लगा लिया। आखिर इसकी वजह क्या थी। कुछ पल बाद श्रेया अनिरुद्ध से धीरे से अलग हुई और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। श्रेया अनिरुद्ध के चेहरे पर नाराजगी ढूंढ रही थी जो उसे कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि अनिरुद्ध के चेहरे पर नाराजगी के बदले उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। तो क्या सच में ये अनिरुद्ध और श्रेया के प्यार की शुरुआत थी। जानने के लिए सुनते रहिए ये इश्क हाय। अनिरुद्ध के गले लगने के बाद श्रेया और अनिरुद्ध एक दूसरे को बस देखते रहे। वैसे श्रेया ये बात नहीं जानती थी कि श्रेया अनिरुद्ध की जिंदगी की दूसरी वो औरत थी जिसको छूने के बाद अनिरुद्ध को कोई घबराहट या परेशानी नहीं हुई थी। और ये बात अनिरुद्ध ने बेसमेंट की लॉबी में भी नोटिस की थी जब उसने श्रेया को गिरने से बचाया था। बाकी किसी को भी अगर वो छुए तो तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाता था, लेकिन बाकी सबसे विपरीत उसे श्रेया का साथ अच्छा लग रहा था, इसलिए अब श्रेया का साथ उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसके दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन और सवाल चल रहे थे। दूसरी तरफ श्रेया घबराई हुई थी।
अनिरुद्ध से कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे और क्या बात करनी चाहिए, ये सब की चेतावनी उसके दिमाग में घूमने लग गई थी। तभी अचानक से अनिरुद्ध की आवाज श्रेया के कानों में पड़ी, चलो हम शादी कर लेते हैं। श्रेया ये सुनकर शॉक्ड हो गई। क्या? श्रेया ने अनिरुद्ध को एक टक देखने के बाद थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या मैंने कुछ गलत सुना है? अनिरुद्ध ने इरिटेट होते हुए श्रेया से कहा, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती या तुम सच में बहरी हो? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले अनिरुद्ध श्रेया से शादी करने का कारण मांग रहा था और अभी वो सामने से श्रेया को शादी का प्रपोजल दे रहा है, लेकिन अनिरुद्ध के चेहरे पे एक शिकन भी नहीं थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अनिरुद्ध ने बड़े ही लापरवाह अंदाज में कहा, तुम्हारे कान में डिफेक्ट है या दिमाग में या फिर नियत में? एक ही बात तुम मुझसे इतनी बार बुलवा कर क्या साबित करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गई हूँ, श्रेया ने अपने बालों को सुलझाते हुए कहा। मुझे लगा आप मुझसे रीजन पूछने वाले थे कि मैं आपसे शादी क्यों करना चाहती हूँ, अनिरुद्ध ने कहा। वो तुम मुझे दे चुकी हो, श्रेया ने कौतूहलता से पूछा। कौन सा रीजन दिया मैंने? एक गर्लफ्रेंड की तरह जिद करते हुए श्रेया ने अनिरुद्ध से रिक्वेस्ट की और अनिरुद्ध से वो बार बार पूछ रही थी कि मैंने कौन सा रीजन दिया है तुम्हें। अनिरुद्ध ने श्रेया से कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूं। हाँ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ कि हम शादी कर सकते हैं या नहीं, अनिरुद्ध ने रौबदार आवाज में पूछा। ऑफकोर्स, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ, हम जरूर शादी कर सकते हैं, श्रेया ने बड़ी ही बेसब्री से जवाब दिया। वैसे देखा जाए तो शादी का प्रपोजल श्रेया अनिरुद्ध के पास लेकर आई थी, इसलिए देखा जाए तो अनिरुद्ध ने श्रेया का प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अनिरुद्ध ने आगे कहा। अनिरुद्ध की बात को बीच में ही काटते हुए श्रेया ने कह दिया, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराया और फिर अपना हाथ अपने पैंट की पॉकेट में डालते हुए कहा, पहले एक बार मेरी शर्तें तो सुन लो, मुझे शांति बहुत पसंद है, तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें चुप रहना सीखना पड़ेगा। मैंने आज दिन में देख लिया था कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचाती हो। दूसरी बात, तुम्हारी कोई भी सहेली यहाँ इस कोठी के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि मैं उनके साथ तमीज के साथ बर्ताव करूंगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं औरतों से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ हर बड़े इवेंट में चलना पड़ेगा, वहां मौजूद औरतों को मुझसे दूर रखने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। चौथी और आखिरी शर्त ये कि तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगी, कुछ भी होता है, छोटा है या बड़ा, तुरंत आकर तुम मुझे बताओगी। अनिरुद्ध ने देखा कि श्रेया ने उसकी सभी शर्तों के लिए साइलेंटली हामी भर दी थी। इसके बाद अनिरुद्ध श्रेया की तरफ थोड़ा झुकते हुए बोला, इनमें से अगर कोई भी शर्त मंजूर ना हो तो तुम अपने रास्ते जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे सारी शर्तें मंजूर है, श्रेया ने बोला। ठीक है, मेरे पीछे आओ, श्रेया का हाथ पकड़े अनिरुद्ध अपने पीछे सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जिन गलियारों में काफी अंधेरा हुआ करता था, आज वहां रोशनी थी। उसे वहां छोटे छोटे झूमर दिखाई दे रहे थे और बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें दीवारों की शोभा बढ़ा रही थी। उसे बड़ी हैरानी हुई और उसने अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए पूछा, क्या यहाँ लाइट्स मेरे लिए जलाई गई है? नहीं, ये मेरा कमरा है, चलो सोच के आज मैं यही रहूं। फ्रेश होने वाले अनिरुद्ध के सवाल को वो समझ भी नहीं पाई थी, लेकिन उसको ये भी समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने हड़बड़ी में बिना सोचे बोल दिया, नहीं पहले आप जाइए। ठीक है, कहता हुआ अनिरुद्ध बाथरूम के अंदर चला गया और कंफ्यूजन में श्रेया वहीं बैठी रही और उसका इंतजार करने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं अब अनिरुद्ध क्या करने वाला है कि तभी श्रेया का फोन बजा, जिससे उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। ये फोन उसकी सौतेली माँ की भतीजी मिशिका का था। श्रेया ने सिर्फ हेलो बोला ही था कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हाउ डेयर यू, अगर बदतमीजी की कोई हद है तो आज तुमने वो पार कर दी है। साबित क्या करना चाहती थी तुम? आज तुमने मीडिया के सामने जो कुछ भी किया है उसके लिए अग्रवाल परिवार तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा, तुम्हें वो जिंदा गाड़ देंगे। श्रेया ने मुस्कान के साथ फोन पर बोला, मेरा छोड़ो, अपना सोचो कि वो कब तुम्हें कचरे की तरह अपनी जिंदगी से बाहर कर देंगे। शायद मिशिका उसको बहुत खरी खोटी सुनाने वाली थी उस वीडियो के लिए जो श्रेया ने प्रेस रिपोर्टर्स को दिखाया था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मिशिका ने कहा, तुमने मेरा वीडियो सबको कैसे दिखा दिया? यू? मिशिका का गुस्सा आसमान पर था। श्रेया ने भी जवाब देते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम खुद चाहती हो कि वो वीडियो सब देखे, इसलिए तो तुम सबको वो वीडियो दिखाती फिर रही थी ना, मैंने तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी की है, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें वर्ल्ड फेमस बना दिया।
इस बात पर मिशिका ने श्रेया को गुस्से में बहुत ज्यादा अपशब्द सुनाए, लेकिन मिशिका के फोन कॉल से श्रेया पूरी तरह से अनअफेक्टेड थी। वो तो ये सोच रही थी कि ये जो कुछ भी अनिरुद्ध के घर पर हो रहा है वो कोई सपना तो नहीं। उससे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि अनिरुद्ध के बारे में मीडिया में जो कुछ भी खबरें या अफवाहें फैलाई गई हैं वो सब सच है या बकवास है। तभी अनिरुद्ध सिल्की पजामा पहनते हुए बाथरूम से बाहर आया और श्रेया को भी चेंज करने को बोला। श्रेया हक्की बक्की रह गई। बाथरूम में टॉयलेटरीज है, अनिरुद्ध ने कहा। ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने कि तुम मुझे इतना घूर रही हो? हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं फ्यूचर में, तो ये सब तो नेचुरल है ना? श्रेया ने सोचा कि भले ही अनिरुद्ध ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया हो, लेकिन अभी भी मैं उसके लिए हूँ तो एक अनजान लड़की ही ना, तो हो सकता है कि वो किसी तरीके से मुझे परखना चाह रहा हो। इसलिए श्रेया ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अभी के लिए सिर्फ अनिरुद्ध की बात को मानने का फैसला लिया। उसने फटाफट चेंज करके बाथरूम पहन लिया और जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि अनिरुद्ध पहले से बेड पर लेटा हुआ है। श्रेया को देख उसने अपने साइड के गद्दे पर हाथ रखते हुए उसको अपने पास लेटने को कहा। श्रेया धीरे से बेड के पास आई और वहीं बेड की दूसरी साइड में आकर बैठ गई और फिर वो कौतूहलता से अनिरुद्ध की ओर एक टक देखने लगी। इसके बाद अनिरुद्ध ने साइड टेबल पर रखी एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। उसको किताब के पन्ने खोलता हुआ देख श्रेया ने दबी हुई आवाज में कौतूहलता और मासूमियत से पूछा, मिस्टर अनिरुद्ध आप हम क्या करने वाले हैं? इसके अलावा क्या करने वाले हैं? अपने बाथरूम को टाइट करते हुए श्रेया ने पूछा। अनिरुद्ध प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, सोने वाले हैं। श्रेया बोली, सोने वाले हैं? श्रेया का डर के मारे बुरा हाल हो गया, मानो जैसे नसों में खून तेज रफ्तार से दौड़ने लगा हो। वो सोचने लगी कि अभी तो सिर्फ अनिरुद्ध से शादी करने के लिए हाँ कही है, शादी हो थोड़ी ना गई है हमारी, फिर ये सब कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक ही बेड में आखिरकार एक साथ बिना एक दूसरे को छुए दोनों किस तरह से सो सकते हैं। तभी अनिरुद्ध स्माइल करते हुए पूछता है, क्या तुम लाइट्स ऑन रखना पसंद करती हो या ऑफ? श्रेया इतनी शॉक में थी कि वो किसी बात का भी जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। श्रेया से बार बार पूछने के बाद भी श्रेया कुछ जवाब नहीं दे पाई और इसलिए अनिरुद्ध को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। लेकिन तभी श्रेया ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, जी वो लाइट जलाकर। अच्छा ये ठीक है, फिर चलो आज हम लाइट्स ऑन करके ही सो जाते हैं। अनिरुद्ध ये कहते हुए अपने ऊपर एक चादर लपेटकर एक तरफ पलटकर सो गया। चलो हम सो जाएं। उसने इतनी सरलता से ये बात कही थी कि अब श्रेया को समझ में आ गया था कि वो खामखा ही अनिरुद्ध की बात का दूसरा मतलब निकाल रही थी। वो तो सच में सिर्फ सो जाने की ही बात कर रहा था। अनिरुद्ध को अपने बगल में सोया हुआ देख अचानक से श्रेया अब उस बेड पर काफी सेफ और अच्छा फील करने लगी। श्रेया काफी देर तक अनिरुद्ध को देखती रही। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल और मन में इमोशंस का तूफान उमड़ रहा था। उसके दिल का एक कोना अभी भी बहुत सारी बातें करना चाहता था, बहुत कुछ पूछना चाहता था, बहुत कुछ समझना चाहता था। सबसे ज्यादा तो ये सवाल उसे परेशान कर रहा था कि एक ही बिस्तर पर अनिरुद्ध ने उसे अपने साथ सोने के लिए परमिशन देकर उसे अपने ही बनाए हुए नियम को तोड़ने के लिए उसे मजबूर कर दिया था। नियम तो चलो ठीक है, क्योंकि वो आखिर उसने खुद ने श्रेया को अपने इतने पास आने दिया था। वो आगे सोच रही थी कि हो ना हो ये उसकी कोई परीक्षा ही चल रही है। वो उठी और पास में रखी कुर्सी पे जाकर चुपचाप बैठ गई। वो बार बार अनिरुद्ध की तरफ देख रही थी। अनिरुद्ध के खिलाफ उसने जितनी भी अफवाह सुनी थी उसमें से एक में भी आज उसे सच्चाई नहीं दिख रही थी। अनिरुद्ध को लड़कियों के पास रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये सब सोचते हुए उसे पता ही नहीं चला कि वो कुर्सी पर बैठे बैठे कब सो गई। श्रेया की आंखें सीधा सुबह जाकर ही खुली और सूरज की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। सुबह की ताजगी कमरे में भरी हुई थी। गुलाबी रंग के खूबसूरत पर्दे उसके चमकते हुए चेहरे को और रोशन कर रहे थे। श्रेया हल्की सी मुस्कुराई और उसने सूरज की रोशनी को देखते हुए सोचा कि अब तो इस कमरे की तरह उसके जीवन में भी उजाला आने वाला है। और फिर एक नए उत्साह और सुबह की शुरुआत करने के लिए उसने पलटकर अनिरुद्ध की तरफ देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि अनिरुद्ध वहां बेड पर नहीं था। श्रेया ये नहीं जानती थी कि अनिरुद्ध काफी देर पहले वहां से जा चुका था। तभी एक मेड कमरे में आई और उसने श्रेया से कहा, अनिरुद्ध साहब ने कहा है कि आप आज ही अपना सामान यहाँ शिफ्ट करवा लीजिए और हमें बता दीजिए अगर आपको हमारी कोई जरूरत हो तो। घर की मेड ने बड़े ही अदब के साथ श्रेया से बात की थी और उसके सामने अपना सर झुकाकर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर
और कपड़े बदलकर श्रेया अपने कमरे के बाहर डाइनिंग रूम में आई। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए खास प्लेट सजाई गई थी, नाश्ते की ट्रे उसके सामने थी और सारी उसकी मन की चीजें प्लेट में सजी हुई थी। ये देखकर श्रेया बहुत खुश हुई। उसके दिमाग में ख्याल आया कि अनिरुद्ध को कैसे पता उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। खैर जो भी हो, इतना भी सीरियस और बोरिंग इंसान नहीं है अनिरुद्ध जितना वो खुद को दिखाता है। दोपहर होते ही श्रेया अपने घर से सारा सामान अनिरुद्ध के घर शिफ्ट करना चाहती थी। वो अनिरुद्ध के घर से निकली और फटाफट अपने घर की तरफ गई। जैसे ही वो अपने घर पहुंची और उसने दरवाजे को खोलने के लिए बाहर से धक्का दिया, उसके चेहरे की सारी रंगत उड़ गई। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, इसका मतलब पहले से ही वहां पर कोई था। जैसे ही वो घर के अंदर गई, उसने देखा कि अंदर कुणाल उसके इंतजार में बैठा था। क्यों आया था कुणाल श्रेया के घर, और जब अनिरुद्ध को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये इश्क हाय। कुणाल को अपने घर में देखकर श्रेया के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके दिलो दिमाग में खौफ के साथ साथ गुस्सा भी भर गया। श्रेया ने गुस्से में कुणाल से पूछा, तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुस आए और यहाँ क्या कर रहे हो? श्रेया को देखते ही कुणाल ने गुस्से में अपने दांत पीसे और उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगा। तुम रात भर कहाँ थी? कुणाल ने चिल्लाते हुए श्रेया से पूछा। इससे पहले कि श्रेया कुछ बोल पाती, उसने गालियों की झड़ी लगा दी। वो श्रेया से जानवरों सा बर्ताव कर रहा था। तुम्हें पता भी है मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम क्या करते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं क्या करती हूँ इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। श्रेया ने उसको झल्लाते हुए जवाब दिया। और क्या तुम अनजान हो कि हमारी सगाई टूट चुकी है और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है? तुम इसके बाद भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जाकर अपना काम करो, निकल जाओ यहाँ से, इसके पहले कि मैं पुलिस को फोन कर दूं। लेकिन कुणाल ने गुस्से में आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कस के पीछे से मरोड़ते हुए श्रेया से पूछा, किसके साथ गई थी, कौन है वो? श्रेया ने बिना डरे कहा, अपनी आवाज नीचे रखो, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अनिरुद्ध कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है, श्रेया बड़बड़ाते हुए बोली, तुमसे तो काफी अच्छा है। अच्छा तो अनिरुद्ध के साथ मिलना हो रहा है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम पे विश्वास करूंगा? कुणाल ने चिढ़ते हुए कहा, वो भी एक ऐसे इंसान के बारे में सुनकर जिसको कभी भी किसी लड़की के साथ देखा ही ना गया हो, बेवकूफ समझ रखा है क्या? श्रेया झट से हाथ छुड़ाकर बोली, क्यों नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना प्यार कि अगर मुझे उसके लिए जान भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। क्या बोला तुमने, मर जाओगी? और मैं समझ रहा था कि तुम दुनिया की सबसे इनोसेंट लड़की हो, पर इस सुंदर चेहरे के पीछे काले दिल को देख नहीं पाया। अफसोस, तुम्हारी मुझसे सगाई हुई थी, इसके बावजूद। कुणाल ने एक जोरदार थप्पड़ श्रेया को रसीद दिया। श्रेया गुस्से और नफरत से पागल हो रही थी। उसने गुस्से में कुणाल से बोला, कौन सी सगाई, कैसी शादी, तुम तो यही चाहते थे? वो गुस्से में दांत पीसती हुई कुणाल पे चिल्लाई, मेरे घर से अभी तुरंत बाहर निकलो, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं बनता, गेट आउट। ये सुनकर कुणाल का दिमाग गुस्से से फटने लगा, मानो जैसे श्रेया ने उसके ईगो को ठेस पहुंचाई हो। कुणाल गुस्से से आगे की तरफ बढ़ा और श्रेया का सर दीवार पर मारते हुए उसको धकेलने लगा और उसको कस के जकड़ लिया। श्रेया कुणाल के बहुत करीब थी और उसकी तेज चलती सांसों को किसी तरह बर्दाश्त करते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में बोली, छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। कुणाल अपनी सारी मर्यादा छोड़कर श्रेया का गला दबा रहा था। उसने बोला, क्या कहा तुमने, गेट आउट, अब तुम्हें पता चलेगा मेरे ईगो को ठेस पहुंचाने का क्या अंजाम होता है। और ये कहते हुए कुणाल जबरदस्ती श्रेया को किस करने लगा, छोड़ दो प्लीज कुणाल, मुझे छोड़ दो। श्रेया गिड़गिड़ाती हुई कह रही थी, पर कुणाल उसके चेहरे को अपने हाथों से प्रेस करते जा रहा था और उसको किस करने की कोशिश कर रहा था। तभी श्रेया की नजर अपने कमरे के किनारे वाले कैबिनेट पर पड़ी। वहाँ एक गमला पड़ा हुआ था। उसने उस गमले को उसके पौधे से पकड़कर कुणाल के सर पर दे मारा। कुणाल धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। श्रेया उसे लात मारते हुए अपार्टमेंट से दौड़ती हुई एलिवेटर की ओर भाग खड़ी हो गई। कुणाल इधर बेहाल हो गया था, वो दर्द से कर्राता हुआ उसके पीछे भागा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। श्रेया कुणाल के चंगुल से भाग चुकी थी। तभी वो एक आदमी से एलिवेटर में जा टकराई और जोर जोर से कांपने लगी। लेकिन अगले ही पल उसकी जान में जान आई जब उसने देखा कि सामने अनिरुद्ध खड़ा था। रोती बिलकती कांपती हुई वो अनिरुद्ध के पीछे जाकर छिप गई। वो उसके कमर को अपनी बाहों में ऐसे जकड़कर खड़ी थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपने माँ बाप से डरकर लिपट जाता है।
श्रेया खुद को अनिरुद्ध के पास सेफ और कंफर्टेबल महसूस कर रही थी, हालांकि उसकी धड़कन अभी भी तेज चल रही थी। श्रेया घबराते हुए बोली, आई एम सॉरी। इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ बोलता, कुणाल लिफ्ट का दरवाजा खोलकर आगे आया, लेकिन तभी वो शॉक होते हुए सोचा, ये क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अनिरुद्ध को श्रेया में इंटरेस्ट है? कुणाल हैरान था, क्योंकि जिस तरह श्रेया ने अनिरुद्ध को पकड़ रखा था, उससे कुछ ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर में फैली अफवाह सही में बस एक अफवाह है। इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर यहाँ आया हुआ है, वो भी एक ऐसी जगह, आखिर क्यों? कुणाल ने दर्द में एक तरफ अपना सर पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ एलिवेटर का दरवाजा। ये सब देखते हुए अनिरुद्ध ने बहुत ही साधारण तरीके से पूछा, यहाँ क्या चल रहा है, कोई कुछ बोलेगा? जबकि वो श्रेया के अपने पास होने से बहुत खुश था, पर वो वहाँ के हालात से सरप्राइज भी हुआ था। कुणाल की हालत और श्रेया को कांपता हुआ देखकर वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, कुणाल ने अपने सर पर लगी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि चोट मेरे सर पर लगी है? इस औरत ने मेरे ऊपर हमला किया है। शायद तुम इन जैसी औरतों को नहीं जानते, ये कोई अबला नारी नहीं है जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुणाल श्रेया की तरफ इशारा करते हुए ये सब कह रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी बाहों को टेढ़ा करते हुए कुणाल की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रेया के बारे में ऐसी बातें कहने की? गर्लफ्रेंड है ये मेरी। तभी कुणाल ने श्रेया की तरफ देखते हुए अनिरुद्ध से पूछा, क्या कहा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वाह! कुणाल को बेहद हैरत हुई जिस तरह से अनिरुद्ध श्रेया को भाव दे रहा था। कुणाल ने अजीब लुक देते हुए ऐसे साबित करने की कोशिश की जैसे अनिरुद्ध की बातों से उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। श्रेया ने कोई तुम्हें ड्रग व्रग तो नहीं दी है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कुणाल ने अनिरुद्ध की तरफ काफी इंसल्ट भरे लहजे में कहा। बस इतना ही सुनने भर की देर थी, अनिरुद्ध ने श्रेया की कमर को हल्के से पकड़कर अपने नजदीक खींच लिया। दोनों ऐसे तन कर खड़े थे मानो एक स्टेटस सिंबल रिफ्लेक्ट कर रहे हो। उस वक्त ये तय करना काफी मुश्किल था कि कुणाल और अनिरुद्ध में से ज्यादा एटीट्यूड किसका है। अनिरुद्ध ने कुणाल की तरफ देखा और अपने अंदाज में बोल पड़ा, मैं तुमसे अपनी बराबरी करूं ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरी चीज पर बुरी नजर डाले ये मुझे पसंद नहीं। ऐसा कहकर अनिरुद्ध ने एक मिनट भी बिना बर्बाद किए हुए श्रेया को थोड़ा अपनी ओर और खींचा और उसके बालों को थोड़ा सा पीछे की ओर करते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाया और कहा, घबराओ मत। और ये कहते हुए हल्के से उसके गुलाबी होठों को अपनी गर्म सांसों से सहलाते हुए प्यार से किस किया। श्रेया के पूरे शरीर में एक अलग सी मदहोशी छा गई। उसे अनिरुद्ध का हाथ अपनी कमर पर महसूस हो रहा था और उसके कोमल होठ अपने होठों पर। कुछ पल के लिए वो कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन कुछ ही देर में श्रेया पूरी तरह से अनिरुद्ध में खो गई। उसने अपने आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध की नरम सांसों और होठों ने उसके होठों को प्यार से सहलाना शुरू किया। अनिरुद्ध ने उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो गए थे मानो इस दुनिया से उनका कोई वास्ता ही ना हो। कुणाल ये सब देखकर बहुत चक्का हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि इसका मतलब है कि इन दोनों के बारे में जो अफवाहें सुन रहा हूँ वो सही है। अभी जो भी हुआ उन दोनों के बीच, कुणाल उसका यकीन नहीं कर पा रहा था। श्रेया उसकी मंगेतर थी, लेकिन कोई दूसरा आदमी उसको चूम रहा था, वो भी उसी के सामने। इस बात से उसका दिल और दिमाग गुस्से से भर गया था। कुणाल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो उन दोनों को ऐसे किस करते हुए देख नहीं पा रहा था, खासकर जिस तरह से दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे मानो उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। तो आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि श्रेया तुम्हारी है, कहते हुए वो चिड़चिड़ाता हुआ लिफ्ट के अंदर चला गया। इसके बाद ही अनिरुद्ध ने श्रेया को अपने सीने से अलग किया। वो शायद यही सुनना चाहता था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, अनिरुद्ध ने फिर से बटन प्रेस करके लिफ्ट का दरवाजा खोला और कुणाल की ओर देखता हुआ बोला, तुम जाने से पहले एक बात कान खोल कर सुन लो, श्रेया मेरी गर्लफ्रेंड है। इस बार वो बहुत गंभीर तरीके से बोल रहा था। श्रेया से जितनी दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में ख्याल भी मत करना। कुणाल ने खुद को जैसे तैसे रोक रखा था। उसके मन में आया अभी अनिरुद्ध का मुंह तोड़ दे, पर वो जानता था कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अनिरुद्ध शहर का सबसे पावरफुल आदमी था। कुणाल अपनी सारी जायदाद भी खर्चता तो भी अनिरुद्ध का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मुझे लगता है अब तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है, मुझे उम्मीद है तुमसे फिर मुलाकात होगी, अनिरुद्ध ने तंज कसते हुए कुणाल से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था।
और फिर उसने अपनी उंगली लिफ्ट के बटन से हटा ली। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। साथ में जो टेंशन और गुस्से का माहौल बन गया था वो भी थम गया। आंखों के अंगारे और चुपती बातों के थपेड़े शांत पड़ गए थे। इधर प्यार और पहले किस का एहसास होते ही श्रेया दीवानी हो गई थी। अनिरुद्ध उसको हैरानी से घूर रहा था। उसने पूछा, जब तुम्हारी एंगेजमेंट उससे कैंसिल हो चुकी है तो उससे मिलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपने बारे में कोई चिंता नहीं है? ऐसी बातें भरे समाज में अफवाह उड़ाने का काम करती हैं। तुम्हें अपने इंप्रेशन की फिक्र होनी चाहिए। लोगों को बातें बनाने का मौका देना अब बंद कर दो श्रेया। अनिरुद्ध ने एकदम हक से श्रेया को समझाया और हिदायत दी कि आगे से कुणाल से मिलना हुआ करे तो अपने घर पर बुलाकर मिले, ना कि सबके सामने, क्योंकि दुनिया उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगी। अब श्रेया अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ चुकी थी। उसने सफाई देते हुए कहा, मैंने उसे नहीं बुलाया, मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कल रात से मेरे फ्लैट में ही था। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि मुझे उसकी भनक तक नहीं थी। मैं खुद सदमे में हूँ। अनिरुद्ध को आज श्रेया की सारी बातों पे विश्वास हो रहा था। पता नहीं ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी या विश्वास की। उसने हाँ में सर हिलाया, जैसे उसकी बात को एकदम से मान लिया हो। ये थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि अनिरुद्ध आमतौर पर ऐसा नहीं करता था। श्रेया कुछ और बोलना तो चाहती थी लेकिन उसके दिल में घंटियां बज रही थी। अभी तक वो भूल नहीं पाई थी कि अनिरुद्ध ने उसे इतने प्यार से किस किया था। उसके दिमाग के अंदर एक्शन रिप्ले चलता जा रहा था। उसकी गलती भी तो नहीं थी? अनिरुद्ध के स्वभाव में रोमांस नॉर्मल नहीं था। अनिरुद्ध आज एक प्रेमी साबित हुआ था जिस पर श्रेया की खूबसूरती का जादू चल रहा था। प्यार ने अपना जादू चला दिया था। तभी श्रेया को अनिरुद्ध के बताए नियम याद आ गए। उसने अनिरुद्ध से कुछ कहना चाहा पर वो कुछ नहीं बोल पाई। फिर भी सारी हिम्मत जुटाकर उसने अनिरुद्ध के होठों की तरफ अपनी उंगली के इशारों से पूछा, अनिरुद्ध क्या आप ठीक हो? अनिरुद्ध भी तो आखिर एक इंसान ही था जिसके अंदर भावनाएं थी। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं ठीक हूं। असली बात तो ये थी कि उसके अंदर भी एक हलचल सी हो चुकी थी। उसको लगा था उसने अगर श्रेया को छू भी लिया तो उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से उसे परेशानी होगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब वो श्रेया को किस कर रहा था तब वो भी उसकी बाहों में पूरी तरह से खो गया था। अनिरुद्ध ने आज प्यार की पहली बौछार महसूस की थी। उसके अंदर हजारों अरमान उठ रहे थे जिसे उसने आज तक दबा कर रखा था। श्रेया की मासूमियत ने उसको अपना गुलाम बना लिया था। उसको नफरत महसूस नहीं हो रही थी। प्यार के थपेड़े उसके अरमानों को झकझोर के उसको रिझा रहे थे। वो बेकाबू सा उसकी तरफ देख रहा था। इश्क का मर्ज ना तो दवा से ठीक होता है ना ही दुआ से। आशिक सिर्फ आशिक ही समझ पाते हैं। प्यार बेबस कर देता है, इस बात को वो समझने लगा था। उसको श्रेया का साथ, उसका प्यार, अपनापन सब महसूस होने लगा था, जो कि उसे अच्छा भी लग रहा था। उम्मीद से ज्यादा असर था श्रेया के जादू का। हाँ, उसने अपना जादू ही चलाया था अनजाने में। अनिरुद्ध एक शिकार की तरह उसके प्रेम पाश में बंधा चला जा रहा था। किस तरफ और कहाँ ये तो ना उसको पता था ना ही किसी और को। वो किसी नौजवान लड़के की तरह अपनी शर्ट के कफ की गोल्डन बटन से खेल रहा था। वो अपनी खुशियां छुपाने की कोशिश करना तो चाहता था पर दिखाना भी चाहता था। आखिर उसकी खुशी भी तो झलक रही थी। फिर भी गंभीरता दिखाते हुए श्रेया से कहा, अपना सामान पैक कर लो, हम अभी कोर्ट चलेंगे। श्रेया भी हैरान थी, कोर्ट? क्या हम अभी कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं? क्या था अनिरुद्ध के मन में? क्यों कर रहा था वो एक अनजान लड़की के साथ शादी? जानने के लिए सुनते रहिए ये इश्क है। एक 25 साल की लड़की श्रेया, जिसने आज तक अपनी जिंदगी अपने दम पर जी है, जिसने छोटी सी उम्र से ही अपने बचपन के दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी खोलकर कॉलेज के तुरंत बाद अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, जिसने आज तक किसी की मदद लेना खुद को अलाउ नहीं किया था, वो इस वक्त अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर थी जहां वो एक अनजान आदमी अनिरुद्ध मित्तल से मदद के तौर पर शादी का प्रस्ताव देने से भी नहीं कतराई थी। अनिरुद्ध मित्तल जो एक बड़ा बिजनेसमैन होने की वजह से नहीं बल्कि अपने अकड़ू स्वभाव और रूड बिहेवियर की वजह से जाना जाता था, जिसे लड़कियों से एलर्जी थी और जो जिंदगी में कभी किसी लड़की को छूना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उस आदमी ने आज न सिर्फ श्रेया को सामने से किस किया था बल्कि उसे यहाँ तक भी कह दिया था कि वो तुरंत जाकर अपना सामान लेकर आए, क्योंकि वो अभी के अभी श्रेया के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन ऐसा तो क्या हो गया था
जिसकी वजह से अनिरुद्ध को शादी करने की इतनी जल्दी थी? क्या इसके पीछे का कारण कुणाल था? अगर वो एक बार आ सकता है तो बार बार भी आ जा सकता था श्रेया के पास। शायद यही सोचकर अनिरुद्ध ने अभी के अभी शादी करने का फैसला लिया था, और इसीलिए श्रेया भी अनिरुद्ध की अभी शादी करने वाली बात पर थोड़ा चौंक गई थी। क्या होगा जब श्रेया अनिरुद्ध के परिवार की सच्चाई से वाकिफ होगी? श्रेया के कौतूहल भरे सवाल को सुनकर अनिरुद्ध ने श्रेया से कहा, हाँ हम अभी कोर्ट में जाकर रजिस्टर मैरिज करेंगे। अनिरुद्ध ने मजाकिया लहजे में पूछा, मेरे पास अभी 2 घंटे फ्री टाइम है तो सोचा ये काम भी कर लिया जाए। अपनी खुशी छुपाने की सारी कोशिश बेकार करते हुए श्रेया ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसके होठों के कमाल का तो अनिरुद्ध पहले ही कायल हो गया था, मुस्कान ने भी कहर ढा ही दिया था। आज अनिरुद्ध ने ये भी देख लिया था कि श्रेया जब मुस्कुराती है तो उसके गालों पर खूबसूरत डिम्पल्स पड़ते हैं। मैं अभी 5 मिनट में अपना सामान लेकर आती हूँ, श्रेया ये कहती हुई वहां से जल्दी जल्दी में निकली। जिंदगी पता नहीं कौन कौन से मोड़ दिखाती है, मंजिल पर पहुंचते पहुंचते कई बार राहें बदल जाती है। आज अनिरुद्ध ने श्रेया को किस किया था और इसीलिए श्रेया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपने अपार्टमेंट की तरफ तेजी से भागते हुए श्रेया ने अनिरुद्ध की तरफ मुड़कर देखा तो अनिरुद्ध भी अपने होठों को छूकर श्रेया को याद कर रहा था, शायद उसके स्पर्श को अभी भी महसूस कर रहा था। इधर जो कि उसको ढके हुए थी, ये बहुत खतरनाक जगह है, उसने बड़े धीमे से कहा, क्या तुम अभी भी मेरे साथ आना चाहती हो? अगर नहीं तो तुम यहीं रुक सकती हो और मेरा इंतजार कर सकती हो। श्रेया ने कहा, आखिर ये जगह क्या है? जबकि वो जानती थी कि अनिरुद्ध जवाब नहीं देगा। तभी श्रेया की नजर उस घर के नेम प्लेट की ओर गई। गेट पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा था। अनिरुद्ध ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह नरक से कम नहीं है। उसने ये बात बड़ी गंभीरता के साथ कही। नरक? श्रेया ने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी जगह भी थी जिससे अनिरुद्ध को इतनी ज्यादा नफरत हो, इसलिए श्रेया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। तभी अनिरुद्ध ने अंदर की तरफ जाते हुए श्रेया से कहा, अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है, तुम मुझे पकड़ सकती हो, मैं नहीं चाहता कि तुम डर जाओ। ये सुनकर श्रेया को वो दिन याद आ गया जब वो अंधेरे में गिरने वाली थी और अनिरुद्ध ने उसे पकड़ लिया था। श्रेया अब थोड़ा शर्माते हुए अनिरुद्ध की जैकेट को पकड़ लेती है। दोनों अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए अनिरुद्ध श्रेया से कहता है, अगर अंदर तुमसे किसी ने भी बदतमीजी से बात की या कुछ भी तुम्हारे खिलाफ कहा तो तुम उसके मुंह पर जवाब दे सकती हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर श्रेया ने पूछा, क्या अंदर बहुत सारे लोग होंगे? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, तुम चाहो तो इन सबको नजरअंदाज भी कर सकती हो। श्रेया बहुत हैरान थी और कुछ नहीं समझ पा रही थी कि अनिरुद्ध उसको क्या समझाना चाह रहा था, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वहां से 25 कदम आगे चलते ही अंधेरा कुछ कम होता जा रहा था, रोशनी दिखाई देने लगी और धीरे धीरे उसे झिलमिलाती और रंगीन लाइट्स दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में उसने अनिरुद्ध की जैकेट को छोड़ दिया। श्रेया अब भी मन ही मन सोचे जा रही थी कि आखिर ये जगह है कौन सी। दोनों घर के बाहर के बगीचे से होते हुए एक कमरे में पहुंच गए। इमारत को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही पुरानी हवेली हो और उसके अंदर आए हुए बगीचे के बीच एक बहुत ही बड़ा सा फव्वारा था और उस फव्वारे पर पत्थर की बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की हुई थी, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा धूल और फफूंदी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो काफी दिनों से किसी ने भी इसकी सफाई ना की हो। जब उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो श्रेया को एहसास हुआ कि शायद ये अनिरुद्ध की पुश्तैनी हवेली थी। वो दोनों उस आलीशान मकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दीवार पर जितनी भी तस्वीरें लगी थी उनको देखते हुए एक आभास हो रहा था कि ये सब अनिरुद्ध के दादा परदादा की तस्वीरें हैं। वहां पूरे परिवार की बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। जब दोनों हॉल में एंट्री कर रहे थे तब श्रेया ने उस खानदान के कई चर्चित लोगों की तस्वीरें देखी। एक खास तस्वीर भी वहां मौजूद थी जिसमें अनिरुद्ध था, उसकी बड़ी बहन रीमा थी और उसके पति प्रताप भी थे। उनके रिश्तेदार वरुण की भी तस्वीर थी। वो दोनों हॉल के अंदर रखी गई पार्टी में दाखिल हुए। वहां मौजूद सभी मेहमानों ने उनकी तरफ बहुत ध्यान से देखा। लोग श्रेया का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी आंखों में उसके लिए कोई इज्जत नहीं थी। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या तुम इन सबको जानती हो या मैं इनका परिचय दूं? श्रेया ने धीरे से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फैमिली पूरे देश में फेमस है, मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। अपना सर हाँ में हिलाते हुए अनिरुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन ये जो सब लोग हैं वो तुम्हें नहीं जानते, इसके लिए मैं तुम्हारा परिचय सबसे करवा देता हूँ। अनिरुद्ध ने हॉल के बीच में आकर अनाउंस किया,
अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ है, इनका नाम है श्रेया। अनिरुद्ध के मुंह से ये बात निकलते ही उसकी बड़ी बहन रीमा ठहाके लगाकर हंसने लगी। उसकी आंखों में श्रेया के लिए थोड़ी भी इज्जत नहीं थी। तुम्हारी वाइफ, तुम होश में नहीं हो या मैं ज्यादा मदहोश हो गई हूँ? आजकल समाज सेवा में लगे हुए हो क्या कि सड़क की कोई भी लड़की उठाकर बीवी बना ली? तुम्हें शादी करनी ही थी तो कम से कम हमारे स्टेटस की लड़की से तो शादी करते। रीमा की बातें बहुत इनसेंसिटिव थी। उसके पति प्रताप ने रीमा को रोकना चाहा। उसे अपनी तरफ खींचते हुए प्रताप ने धीरे से कहा, माना कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, पर फिर भी तुम उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हो, आखिर वो हमारी भी मेहमान है। रीमा ने बड़ी ही ओछी नजरों से श्रेया की तरफ देखते हुए कहा, इसने इस खानदान का और अनिरुद्ध का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आपको पता भी है लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं सही में इसको मेहमान का दर्जा दूंगी? रीमा ने बहुत ही गुस्से भरे शब्दों में कहा। अनिरुद्ध के दादाजी, जो अभी तक चुपचाप बैठे सबकी बात सुन रहे थे, उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग? उनकी रौबदार आवाज ने सबको बर्फ की तरह जमा दिया था। अनिरुद्ध की बहन ने तपाक से जवाब दिया, सब कह रहे हैं कि अनिरुद्ध को इस लड़की ने कैद में रखा है, जोर जबरदस्ती से शादी रचाई गई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि श्रेया ने अपने मतलब के लिए अनिरुद्ध को फंसाया है। सच कुछ भी हो, मुझे बस इतना पता है कि हम लोग कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लोग नहीं है, हम इस समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हैं। हमारे खानदान पे हम ऐसे दाग नहीं लगने दे सकते। अनिरुद्ध को बहुत अच्छे से पता था कि हम पर कितना ज्यादा प्रेशर है। इस शहर में काफी जानी मानी हस्तियां हैं। अनिरुद्ध के लिए क्या लड़कियों की कमी थी? बड़े घर की लड़कियां लाइन लगाए बैठी थी। अनिरुद्ध चाहता तो उन सब में से किसी को भी चुन सकता था, लेकिन उसने इस लड़की के साथ ही शादी क्यों की? अपनी इतनी इंसल्ट होते देख श्रेया को अब गुस्सा आने लगा था। उसने एक बार अनिरुद्ध की तरफ देखा। अनिरुद्ध भी गुस्से में था, पर वो कुछ भी नहीं बोला, जबकि वो अपनी बहन द्वारा की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चाहता तो उसी समय उसको चुप भी कर सकता था, लेकिन वो खुद चुप रहा। शायद वो ये देखना चाहता था कि श्रेया किस हद तक बर्दाश्त कर सकती थी, और वो ये भी देखना चाहता था कि अपनी बेइज्जती का बदला श्रेया कैसे लेती है। आखिर अब उसको भी तो इस परिवार के साथ रहना था, इसलिए जवाब भी श्रेया को ही देना था। अगर आज वो चुप रह जाती है तो उसको इन लोगों के तानों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, और ये यकीनन इसका जीना दुबर कर देंगे। अनिरुद्ध के दादाजी अब अपने दांत पीसते हुए श्रेया की तरफ देखने लगे। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी श्रेया चुपचाप सी खड़ी थी। शायद उसने अपने लिए कुछ उसूल बनाए थे। उसने अपने स्वाभिमान को अछूता रखा था। अनिरुद्ध के दादाजी को अनिरुद्ध के लिए एक सीधी सादी लड़की चाहिए थी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि लोग इस तरह श्रेया और अनिरुद्ध के बारे में बातें बना रहे हैं। अनिरुद्ध की बहन ने अनिरुद्ध के दादाजी को यह भी बताया कि कैसे बाहर लोग श्रेया के अफेयर के बारे में भी बातें बना रहे हैं। अनिरुद्ध के दादाजी ने श्रेया की तरफ सवाल दागते हुए पूछा, बताओ लड़की, अपना सच बताओ, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे अनिरुद्ध का नाम खराब हो? और अगर ऐसा है तो तुमने सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि हमारे पूरे खानदान का नाम खराब किया है। उसके बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे घर के अंदर भी घुस आई, आखिर तुम चाहती क्या हो? श्रेया ने अब भी अपना आपा नहीं खोया था। उसको समझ में आ गया था कि भले ही अनिरुद्ध अपने परिवार से अलग रहता हो, भले ही उन दोनों ने सीक्रेटली शादी की थी, लेकिन इन सभी को उसकी और अनिरुद्ध की शादी की खबर उसी दिन मिल चुकी थी। मैरिज सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी घर पर आ चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि वो भले ही अनिरुद्ध की जायज तरीके से पत्नी थी, लेकिन इस परिवार में उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तभी अचानक उसको अनिरुद्ध की बात याद आ गई। उसके दिमाग में कुछ देर पहले की घटना चलने लगी, जब अनिरुद्ध ने कहा था, अंदर अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम उसको जवाब दे सकती हो। श्रेया ने अनिरुद्ध के दादाजी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, क्या आप मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका देंगे? इससे पहले कि अनिरुद्ध के दादा कोई जवाब दे दे, रीमा ने फटाक से कहा, तुम मुंह खोलोगी तो झूठी बोलोगी ना? श्रेया ने रीमा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इंसान का स्टेटस उसकी परवरिश और उसकी क्लास इस बात से रिफ्लेक्ट होती है कि वो किसी और के साथ किस तरह से बात करता है। एंड आई एम सॉरी टू से, बट आपने कपड़े तो महंगे पहने हैं लेकिन जुबान आपकी बहुत सस्ती है। इस तरह के अल्फाज आप जैसी औरत को सूट नहीं करते। यू नो, ऐसा लग रहा है मानो कोई लो क्लास सड़क की औरत अपनी गली में चिल्ला रही हो। ये सुनते ही रीमा आग बबूला हो गई। श्रेया भले ही अंदर गुस्से से दहक रही थी, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। श्रेया ने प्यार से आगे कहना जारी रखा, ये हमारी पहली मुलाकात है, इस तरह मुझसे बात करना, अपने घर की बहू के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना, ये आप जैसी औरतों को शोभा नहीं देता।
आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा और अनिरुद्ध का रिश्ता झूठ है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? रीमा ने गुस्से में कहा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अनिरुद्ध और तुम्हारे बीच अफेयर है? मतलब तुम दोनों के बीच हर तरह का रिश्ता है और तुम दोनों एक दूसरे को वो हक देते हो जो पति पत्नी का एक दूसरे पर होता है? तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात को मैं या कोई और मानेगा? सच तो ये है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ था और इसके बावजूद तुमने मेरे भाई को फंसाया है। रीमा ने श्रेया के चरित्र पर लांछन लगाते हुए उससे प्रमाण मांगा था। इस बात से श्रेया काफी गुस्से में थी और वो ये सोच रही थी कि शायद उसका मुंह बंद करने के लिए श्रेया को अब सबके सामने कुछ बड़ा करना होगा। तभी उसके दिमाग में कुछ करने का ख्याल आया। आखिर क्या करने का सोच रही थी श्रेया? क्या उसकी किसी बात से अनिरुद्ध बुरा तो नहीं मान जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये इश्क है। श्रेया और अनिरुद्ध दो अनजान लोगों ने एक दूसरे से मिलने के 36 घंटे के अंदर अंदर शादी तो कर ली थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के परिवार वालों से अभी भी अनजान थे। शादी के इतने समय बाद आज पहली बार श्रेया अनिरुद्ध के घर वालों से मिल रही थी। किसी भी लड़की के दिल में उसके ससुराल वालों से मिलने के कुछ अलग ही अरमान होते हैं, लेकिन इससे पहले कि उन अरमानों को थोड़ी भी हवा लग पाती, अनिरुद्ध ने अपने घर वालों से मिलाने से पहले श्रेया को चेतावनी दी थी कि उसे कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वो तब इस बात का मतलब नहीं समझी थी, लेकिन जैसे ही वो अपने इन-लॉज से मिली, उसको समझ आ गया कि अनिरुद्ध ने उसे ऐसा क्यों कहा था। अनिरुद्ध की बहन रीमा अनिरुद्ध और श्रेया का अपमान किए जा रही थी, लेकिन घर के बाकी लोगों में से किसी ने रीमा को एक बार भी नहीं रोका। हद तो तब हो गई जब रीमा ने श्रेया और अनिरुद्ध के रिश्ते पर भी सवाल उठा दिया, और इसलिए अनिरुद्ध के घर वालों को चुप करवाने के लिए श्रेया के दिमाग में एक आइडिया तो आया था। उसने सोचा कि या तो वो एक दूसरे को सबके सामने किस करे या कोई और शो ऑफ करे, शायद प्यार का प्रदर्शन ही सही जवाब था। इस बात का ख्याल आते ही उसकी नजर अनिरुद्ध की तरफ मुड़ी। इतना सब कुछ हो चुका था और वो चुपचाप सा खड़ा था। ये अपमान अकेले श्रेया का नहीं था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो दोनों ही हॉट टॉक ऑफ द टाउन बने हुए थे, लेकिन आपस में वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके थे, जिसमें बहुत सारा प्यार, अपनापन, मोहब्बत, इश्क और चाहत थी। अनिरुद्ध के बारे में जो कोई भी अफवाह फैली थी, वो उसकी बीमारी की वजह से फैली थी। अनिरुद्ध को जर्म फोबिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो किसी के भी नजदीक आने से परेशान हो जाता था, और इसलिए लोगों को लगता था कि वो औरतों से दूर रहता है। श्रेया को अचानक उस बेसमेंट वाले टॉर्चर रूम के बारे में भी ख्याल आया, लेकिन उसने सोचा कि अनिरुद्ध जैसा प्यारा इंसान किसी निर्दोष के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता था। शायद उसने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए बस ये दिखावा किया था, या हो सकता है कि अनिरुद्ध को कभी कोई बीमारी थी ही नहीं, बस उसने ये एक जरिया बनाया था उन सभी औरतों को अपने से दूर रखने का जिनके करीब वो जाना ना चाहता हो, शायद उस खास इंसान के लिए जिसको वो दिल से अपनाना चाहता हो, और वो शख्स श्रेया थी, क्योंकि उसके सामने अनिरुद्ध के किसी भी फोबिया ने असर नहीं किया था। पहले दिन से ही वो दोनों एक दूसरे के करीब रह चुके थे। शायद अनिरुद्ध की तलाश जीवन साथी के रूप में श्रेया पर आकर खत्म हो गई थी। इन सभी बातों का ख्याल करते हुए श्रेया अनिरुद्ध की तरफ मुड़ी और अपने हाथों को ऊपर उठाकर उसके कंधे के ऊपर आलिंगन करते हुए उसे अपनी ओर खींचा और थोड़े रोमांटिक अंदाज में बोला, बताओ ना इन सबको, मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? इनको प्रूफ चाहिए। क्या हमारा इश्क प्रूफ नहीं है? उसकी इस हरकत के बाद पूरे माहौल में शांति फैल गई थी और सब स्तब्ध रह गए थे। वहीं श्रेया अनिरुद्ध की बहन की बातों से काफी नाराज थी। उसने सोच लिया था कि अगर ये लोग मेरे और अनिरुद्ध के रिश्ते को झूठा मान रहे हैं, तो मैं इससे सच्चा साबित करके रहूंगी। अनिरुद्ध को अंदाजा हो चला था कि श्रेया के मन में क्या चल रहा था, तभी तो वो श्रेया को कुछ भी साबित करने से रोकना चाहता था, लेकिन श्रेया कहां मानने वालों में से थी। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपने नहीं सुना कि रीमा दीदी ने क्या कहा? वो बड़ी बहन है आपकी, मगर शायद उन्हें ये नहीं पता कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, और आज यहाँ सबके सामने हमारे रिश्ते को झूठा बुलाकर मेरे और आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर उन्होंने वो मर्यादा तोड़ी है। उसने तुरंत रीमा की तरफ देखते हुए कहा, आप भले ही इनके बेसिर पैर की बातों को बर्दाश्त कर ले, लेकिन मेरे सामने रीमा दी आपको टारगेट नहीं बना सकती। श्रेया ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और काफी सीरियस तरीके से जवाब दिया, लोगों की बात पर मैं आज तक चुप रही, लेकिन अब नहीं। आग घर की दहलीज तक पहुंच जाए, उसके पहले उस पर पानी डाल देना चाहिए। मेरे पति क्या कर सकते हैं, किसके साथ रह सकते हैं, लड़कियों में इंटरेस्टेड हैं या नहीं,
ये मुझसे बेहतर ना कोई जानता है ना कोई जान पाएगा। आप मेरे लिए क्या है, मैं आपके लिए क्या हूँ, ये चीज बातों से ये दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन अगर दुनिया को देखना ही है तो यही सही। श्रेया ने मूड चेंज करते हुए बहुत रोमांटिक अदा से बोला, मुझे तो वैसे भी बस आपके पास आने का बहाना चाहिए होता है। ये बोलते ही श्रेया ने अचानक अनिरुद्ध को अपनी मखमली बाहों में जकड़ लिया और फिर धीरे से उसके होंठ पर अपने नाजुक होंठ रख दिए। दोनों के होंठ जैसे ही एक दूसरे से टकराए, वो दोनों एक दूसरे में कुछ ऐसे खो गए मानो उन्हें दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। अनिरुद्ध ने भी सारी झिझक भुलाकर श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया। किस करने के बाद श्रेया ने अनिरुद्ध की तरफ मुस्कुराकर देखा और उसके बिल्कुल पास आकर आहिस्ता से बोल पड़ी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैंने कुछ ज्यादा बोलकर आपको शर्मिंदा कर दिया है। अनिरुद्ध बस एक टक श्रेया की तरफ देख रहा था। अनिरुद्ध इसी वक्त फिर से श्रेया को अपनी बाहों में भरकर उसे ढेर सारा प्यार करना चाहता था। उसे ये बताना चाहता था कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो खुद को श्रेया के प्यार में पूरी तरह से समर्पित कर चुका था, उसमें अपनी दुनिया बसा चुका था और उसको तहे दिल से अपना बना चुका था। उसने बड़े ही मुश्किल से अपने सारे अरमान दबाकर नशीली आंखों से श्रेया की ओर देखा और मुस्कान भरे शब्दों में बोला, तुम मेरी हो श्रेया, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, आई लव यू। और रीमा की तरफ ऐसे देख रहा था मानो रीमा उसको बचाने वाली थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रीमा बोल पड़ी, दादाजी आप प्रताप से इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? आपको बता भी है उसने कितने सारे पापड़ बेले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाने के लिए? बहुत मेहनत की है इसने, एंड बाय द वे दोनों परिवारों के बिजनेस की अगर तुलना की जाए तो अग्रवाल ग्रुप इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है, और हमारी यानी मित्तल एसोसिएट्स की बराबरी में अग्रवाल कंपनी कहीं भी खड़ी नहीं थी। तो ये सब ऐसे ही तो नहीं हुआ ना, प्रताप ने भी काफी हार्डवर्क किया है इस कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने प्रताप को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, प्रताप जब तुम्हारे पास काम नहीं था तो कितनी मिन्नत करके आपने दादाजी से प्रोजेक्ट मांगा था, अब हार्डवर्क का रोना रो रहे हो? तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से हमें कितना नुकसान होने वाला है? अनिरुद्ध ने रीमा की तरफ देखा और बोला, प्रताप ने ही कहा था ना कि उसे काम करना है, फिर तो इसे खुद को इस काम को पूरा करने में झोंक देना चाहिए था। लेकिन छोड़ो रीमा दीदी, तुम नहीं समझोगी। जैसे ही रीमा ने ये बात सुनी वो गुस्से से आग बबूला हो गई और रीमा ने अनिरुद्ध को झाड़ते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो अनिरुद्ध, व्हाट द हेल? अनिरुद्ध तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या चाह रहे हो। तुम पहले ही दिन से जानते थे कि ये काम कितना मुश्किल था, इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था, इसलिए ही तुमने ये काम हमको दिया था, वरना तुम कोई काम हमको देने को तैयार ही कहाँ थे? रीमा गुस्से में आग उगल रही थी। अनिरुद्ध ने भी चिढ़कर बोला, तो दीदी आप मानती हो ना कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं था? रीमा ने कहा, तुम इतने ही स्मार्ट और टैलेंटेड हो तो तुम्हें मैं चैलेंज करती हूँ कि तुम ही अब ये काम कंप्लीट करके दिखाओ। अनिरुद्ध ने आव देखा ना ताव, तुरंत कहा, अपने हस्बैंड को कल मेरे ऑफिस भेज देना, मेरी सेक्रेटरी ये पूरा काम सीख लेगी और हैंडओवर ले लेगी, ये प्रोजेक्ट अब मैं ही कंप्लीट करूंगा। रीमा ये सुनकर और ज्यादा नाराज हो गई। तभी प्रताप ने रीमा की कलाई अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम क्या बक रही हो, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारे दादाजी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोजेक्ट में नुकसान हुआ है या फायदा, बस उनको इस बात से तकलीफ हो रही है कि वो अपना रुतबा मित्तल खानदान को दिखा नहीं पाए। ये लॉन्च मुझे सक्सेसफुली करना था लेकिन अब मैं वो नहीं कर पाया। तुम्हें यहाँ पर बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, उल्टा बात को समझने की जरूरत है। प्रताप ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए अनिरुद्ध को ऑप्शन दिए। उसने भले ही अनिरुद्ध को प्रोजेक्ट की ओनरशिप देने की बात की थी लेकिन इसके पीछे उसके इरादे सही नहीं थे। ठीक है अनिरुद्ध, तुम ये प्रोजेक्ट ले सकते हो, लेकिन यहीं तुम अगर सफल नहीं हुए तो तुम्हें सीईओ पद से इस्तीफा देना होगा और फैमिली बिजनेस से साइड हट जाओगे। ये बात सुनकर सब चौंक गए। क्या जवाब देगा अनिरुद्ध इस बात का? जानने के लिए सुनते रहिए ये इश्क खाए।